फ्रेंड्स, मैं जय, मेरे चैनल बेटर लाइफ जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे बहुत ही सुंदर प्लांट के बारे में जिसका नाम है चाइना पाम, जिसे हम टेबल पाम भी कहते हैं। इसके लिप्स काफी बड़े बड़े से दिख रहे हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरा ये टेबल पाम कितना हरा भरा सा घना हो चुका है और इसके लिप्स काफी बड़े बड़े से हैं। फ्रेंड्स, जब मैं इस प्लांट को नर्सरी से लेके आया था तो ये काफ़ी छोटा सा था और मैंने इसी पॉट में ही इसको लगाया है, तो उसके लिए ये पॉट काफ़ी बड़ा हुआ करता था। ये 8 से 10 इंच का पॉट है फ्रेंड्स, और आप देख रहे हैं कि ये पूरा पॉट कवर कर लिया है। मेरा एक सुझाव है फ्रेंड्स इस प्लांट के बारे में, जब भी आप इसे नर्सरी से लेके आएँ तो उसे ऐसे पॉट में लगाएं जो थोड़ा स्पेसियस हो, क्योंकि ये प्लांट काफ़ी ग्रो करता है और इसे बाद में शिफ्ट करना भी इतना आसान नहीं होता, क्योंकि इसके लिप्स में कांटे काफ़ी होते हैं। तो इसे काफ़ी ऐसे पॉट में लगाएं जिसमें ड्रेन की अच्छी व्यवस्था हो, ड्रेन होल्स प्रॉपर हो और पॉट साइज में अच्छा हो, बड़ा हो। इस प्लांट की भी काफ़ी वैरायटी आती हैं। ये एक हार्डी प्लांट है, ये स्लो ग्रोविंग प्लांट है फ्रेंड, ये काफ़ी धीरे से ग्रो करता है। इसके एक लिप्स को निकलने में हफ्ता, 10 दिन या 15 दिन तक भी लग सकते हैं, डिपेंड अपॉन सीजन, वाटरिंग, खाद। इसके नीचे की जो पत्तियां हैं धीरे धीरे सूखना स्टार्ट हो जाती है। तो फ्रेंड, ये था इस प्लांट के बारे में मेरा कुछ नॉर्मल सा सुझाव, और हम आगे बात करते हैं कि जैसे जो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए जो खास चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे इसकी सनलाइट, वाटरिंग, सॉइल, फर्टिलाइज़र, हम इस टॉपिक्स पे, इस टिप्स पे बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा फ्रेंड्स इसके सनलाइट के बारे में। तो ये काफ़ी हार्डी प्लांट है, ये सनलाइट तो पसंद करता है, सनलाइट में इसका रंग काफ़ी अच्छा निखर के आता है, पर इसे गर्मियों के दिनों में तेज़ धूप में ना रखें। अगर गर्मियों के दिनों में आप इसे तेज सनलाइट में रखते हैं तो इसके लिप्स साइड से ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएंगे। जो इसकी टिप है लिप्स की, ये जो टिप है ये ब्राउन सी होना स्टार्ट हो जाएंगे। धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा, फिर आप लिप्स को कटिंग करेंगे तो भी देखने में अच्छा नहीं लगेगा, और ब्राउन होने के बाद भी ये देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए इसे गर्मियों में तेज सनलाइट में ना रखें, गर्मियों में इसे आप सेमी शेड में रखें, जहाँ हल्की धूप आती हो, पेड़ की छांव में रखिए, दीवार के किनारे में रखिए। मॉर्निंग की एक घंटे की, आधे घंटे की धूप आप इसे दे सकते हैं गर्मियों के दिनों में। विंटर या रेनी सीजन की बात करूँ तो आप इसे तेज सनलाइट में रख सकते हैं, दिन भर आप सनलाइट में रखिए। तो ये था फ्रेंड्स इसके सनलाइट के बारे में। बात करते हैं वाटरिंग के बारे में। इसे एक बैले सवे वाटरिंग भी पसंद है, जब इसका जो ऊपर का सरफेस है मिट्टी का, जब वो सूख जाए तब इसमें आप वाटरिंग कीजिएगा। अगर आप इसमें ज़्यादा वाटरिंग करते हैं, ओवर वाटरिंग ये बर्दाश्त नहीं करता है। यह हार्डी प्लांट है, अगर इसे कम पानी थोड़ा मिले तो ये चल जाता है, लेकिन अगर ज़्यादा पानी को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता है। इसलिए आप इसमें देखिए कि इसमें सरफेस ऊपर का सूख चुका है, तभी आप इसमें पानी दीजिएगा। ऐसे जगह इसको बिल्कुल मत रखिएगा जहाँ पर पानी खट्टा होता है, जैसे आपका बरसात का पानी कहीं जगह जमा हो जाता है, वहाँ पर आप इसके पॉट को बिल्कुल न रखिएगा। तो क्या होगा कि इसकी मिट्टी पूरी तरह से मॉइस्ट हो जाएगी, नम हो जाएगी, और इसके प्लांट्स का जो लिप्स है, टिप है, वो भी ब्राउन से होने शुरू हो जाएंगे। तो ओवर वाटरिंग या अंडर वाटरिंग पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और ओवर वाटरिंग तो बिल्कुल भी नहीं, अंडर वाटरिंग तो फिर भी ये संभाल लेगा लेकिन ओवर वाटरिंग नहीं। बात करते हैं सॉइल के बारे में। तो इसे वेल ड्रेन्ड सॉइल पसंद है, इसके सॉइल पे कोई खास कंपोजिशन तो नहीं जरूरत है, पर आप चाहें तो 10% या 20% कंपोस्ट यूज कर सकते हैं सॉइल के मिक्सर में। ये प्लांट तो इजी टू ग्रो प्लांट है फ्रेंड, एक बार अगर प्लांट सर्वाइव कर ले तो आसानी से ये मरता नहीं है और लॉन्ग लाइफ प्लांट है। अगर इसके आप पॉट को समय समय पे आप रिपोर्टिंग करते रहते हैं, चेंज कर रहे हैं पॉट को, तो ये काफ़ी अच्छा ग्रो करता है और काफ़ी लंबे समय तक ग्रो करता है। बात करते हैं फ्रेंड फर्टिलाइज़र के बारे में। तो इसे कोई खास फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं है। मेरा प्लांट आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि कितना बड़ा है,
इस प्लांट को मुझे लगाए 2.5 साल के आसपास हो चुका है। मैं जब ये लाया था प्लांट तो काफ़ी छोटा था, 1 फीट के हाइट का लगभग प्लांट था, लिप्स काफ़ी छोटे थे। तब से मैंने इसे कोई ख़ास फर्टिलाइज़र नहीं दिया है। रेनी सीज़न या विंटर सीज़न में मैंने काउडंग ही इसको दिया है। जैसे इसके मिट्टी के पास मैंने काउडंग का यहाँ पर मैंने चारों तरफ गुड़ाई करके डाल दिया है। समय समय पे आप इसकी मिट्टी की गुड़ाई अवश्य कीजिएगा फ्रेंड, उससे क्या होगा कि एयर का भी सर्कुलेशन इसमें बना रहेगा और ये जो खाद वगैरह आप देंगे उसको भी आसानी से एब्जॉर्ब करेगा। और अगर इसके पत्ती जैसे लीव्स सूख जाते हैं नीचे तरफ से, आप उसे जरूर कटिंग कीजिएगा। उससे क्या होगा कि जो प्लांट अपनी एनर्जी है वो ऊपर के जो नए लीव्स निकल रहे हैं उस पर लगाएगा। खाद वाद तो इसे मत दीजिएगा फ्रेंड, मेरा ये सुझाव है। आप इसे समय पे वाटरिंग कीजिए, समय पे सही तरीके से धूप पे रखिए। जहाँ तेज धूप आने जब लगी हो तो इसके जगह को चेंज कीजिए। तो ये था फ्रेंड्स मेरा इस प्लांट के बारे में सुझाव। अगर आपको मेरा ये सुझाव पसंद आया हो, मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और इस वीडियो के बारे में आपका मेरा कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कमेंट हो, तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं जल्द ही आपका इसका जवाब दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।